हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। गाइज, आपको सभी स्टेप्स को फॉलो करना है, आप ये एडिटिंग बिल्कुल इजी तरीके से सीख जाओगे। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, इसके लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को हमें ऐड कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड इसको ऐड कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक करना है एंड अपनी फोटो को हमें ओपन कर लेना है। सो गाइज, हम कर लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर लाइटिंग को एडजस्ट। तो सिंपली यहाँ पे हमें लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड इसके अंदर एक्सपोजर है, इसको हमें हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज, कंट्रास्ट है, इसको भी हमें इंक्रीज करना है एंड सिंपली हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद आता है गाइज हाईलाइट, हाईलाइट को भी हल्का से यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड शेडो आता है गाइज, शेडोज को हमें डाउन करना है। एंड इसके बाद हम वाइट है गाइज, वाइट को हल्का से यहाँ पे इंक्रीज हम कर लेते हैं। एंड लाइटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है। सो गाइज, इसके लिए सिंपली यहाँ पे हमें कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड इसके अंदर अब हमें मिक्स वाले टूल पे आ जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे सेकेंड वाला कलर है यहाँ पे ऑरेंज कलर, इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक कर लेना है। एंड इसके अंदर सेचुरेशन है, इसको हमें डाउन करना है एंड सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड ल्यूमिनेंस है गाइज, इसको हमें हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाला कलर आता है गाइज येलो कलर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड इसके अंदर ह्यू है, इसको हमें डाउन करना है -100, इसको हमें कर लेना है। एंड सेचुरेशन है, इसको हमें फुल 100 कर लेना है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे ग्रीन कलर पर हमें आ जाना है। गाइज, इसके अंदर ह्यू है, इसको हमें डाउन करना है एंड सिंपली इसको -100 हम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सेचुरेशन आता है, इसको हमें सिंपली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड इसके बाद ल्यूमिनेंस आता है गाइज, इसको हल्का सा इसको भी हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड फिर हमें यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे टेम्परेचर है, इसको हल्का से यहाँ पे हमें डाउन करना है एंड सिंपली इतना हम इसको डाउन कर लेते हैं। एंड टिंडर गाइज, इसको हल्का से यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड विब्रेंस है, इसको हमें डाउन करना है। एंड इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें बैक आ जाना है। एंड गाइज, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। गाइज, हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अब हमें इसे स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें शेयर टू पे क्लिक कर लेना है एंड इसको हमें स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। गाइज, यहाँ पे स्नैपचैट ऐप ओपन हो चुका है, तो सिंपली यहाँ पे हमें पेंसिल वाले आइकन पे आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें आ जाना है लेंस ब्लर पे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे इस लेंस ब्लर को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं एंड इसके अमाउंट को यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउन कर लेते हैं एंड अब इसको यहाँ पे ब्लर करना है, तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रेंथ ब्लर है, इसको हमें इंक्रीज करना है, तो हमें इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है, ठीक है। गाइज, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन है एडिट स्टॉक का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे व्यू एडिट्स है गाइज, इसके ऊपर हमें आ जाना है एंड यहाँ पे लेंस ब्लर पे आना है एंड ब्रश पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, जो बैकग्राउंड है उसको हमें रब करना है, उसको हमें यहाँ पे ब्लर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर लेता हूँ, तो इसके लिए इसको मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे ब्लर कर लेता हूँ। एंड गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है एंड फिर हमें सिंपली यहाँ पे बैक आना है। एंड गाइज, वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे आना है एंड यहाँ पे गाइज विंटेज, इसके ऊपर हमें आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे है ब्राइटनेस है, इसको हमें हल्का से यहाँ पे इतना कर लेना है। एंड यहाँ पे सेचुरेशन है, इसको हमें -100 कर लेना है एंड यहाँ पे डन कर लेना है। गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे एडिट स्टॉक पे वापस हमें आ जाना है एंड व्यू एडिट्स पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे विंटेज, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड ब्रश पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, जो हमारा बैकग्राउंड है उसके ऊपर हमें रब करना है, तो सिंपली इसको भी मैं जल्दी से रब कर लेता हूँ। गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है एंड बैक आ जाना है। अब इसके अंदर हमें PNG को ऐड करना है, क्लॉथ के जो कलर है उसको चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे वापस हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आता है गाइज डबल एक्सपोजर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके PNG को ऐड कर लेना है। गाइज, फिर इसके बाद सिंपली इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है स्टाइल के ऊपर एंड इसको हमें सबट्रैक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद सिंपली हमें डन कर लेना है एंड वापस हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एडिट स्टॉक पे एंड व्यू एडिट्स पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, फिर यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे हमें क्लिक करना है एंड ब्रश पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे अब हमें अपने क्लॉथ के ऊपर रब करना है, तो सिंपली मैं इसको जल्दी से रब कर लेता हूँ।
गाइज इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है एंड सिंपली हमें बैक आ जाना है। अब यहाँ पे हमें सन लाइट पीएनजी को ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे हमें क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे हमें आ जाना है। इसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है गाइज। इसके बाद सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको हमें यहाँ पर ऐड कर देना है एंड इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं एंड इसके बाद सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइस फिर हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ब्रश पे हमें आ जाना है एंड इसके बाद यहाँ पे हमें एक्सपोजर पे आ जाना है एंड अपने स्किन के ऊपर हमें रब करना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे जल्दी से रब कर लेता हूँ। गाइस वापस हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सैचुरेशन पे हमें आ जाना है एंड यहाँ पे लिप्स के ऊपर हमें इसको रब करना है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। एंड गाइज इसके बाद सिंपली इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें बैक आ जाना है। सो गाइज आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सो गाइज इसको अब हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है, तो सिंपली यहाँ पे हमें शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इसको शेयर कर लेना है। गाइज इसके अंदर हमें यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है गाइज इसके ऊपर हमें आ जाना है एंड यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है गाइस कलर यहाँ पे रिप्लेस, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है एंड इसको हमें जहाँ पे सेट करना है वहाँ पे हमें कलर को चेंज करना है। तो सिंपली हमें इस लीके पर कलर को चेंज करने वाले हैं, तो इसके ऊपर हमें इसको फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, तो आप जो चाहो वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाले कलर को चूज कर रहा हूँ, तो ये वाला कलर मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे फिर इसको हम इसको फिक्स कर लेते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं एंड एडजस्ट हम इसको कर लेते हैं। एंड गाइस इतना हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारी फोटो के अंदर जो कलर ग्रेडिंग है काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है एंड आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। सो गाइस अब हमें सिंपली इसको सेव करना है, तो सिंपली यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको हमें सेव कर लेना है।